डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बीपीएससी टीचर की वैकेंसी से संबंधित अच्छी कम से कम इफेक्टिव बुक्स बताएंगे, लेकिन अभी भी हमने इसे फाइनलाइज नहीं किया है। हालांकि कुछ बुक्स हमने सिलेक्ट कर लिया है, एक बुक हमें और ऐड करना है इसमें, मिनिमम बुक्स जो आपको घर बैठे तैयारी में आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक दिन हमें और दीजिए। दूसरी ओर शिक्षा विभाग और बीपीएससी अभी तक मतैक नहीं बना पाया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या हो, नेगेटिव हो कि नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, इसे लास्ट टच क्या दिया जाए। तो अब मंडे को फिर से बैठक होने वाली है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मंडे को बैठक होने वाली है, और तब उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और तब हो सकता है नया नोटिफिकेशन आ जाए, डिटेल्स आ जाए, एग्जामिनेशन का पैटर्न और सब कुछ क्लियर हो जाए। तो एक दो दिन और वेट कर लीजिए। हम भी आपको जो बुक सजेस्ट करेंगे आपकी तैयारी में माइल स्टोन साबित होगा। और हम सदैव कहते हैं कि जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, बुक्स का सिलेक्शन आपकी आधी तैयारी है। हम फिर से कह रहे हैं, 2 जून से जो बीपीएससी का हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 69वीं का, उसके लिए बुक्स हमने बता दिया, और कई सारे लोग कह रहे हैं बुक्स नहीं मिल रहा है, तो आपने बुक स्टॉल से बात कर लीजिए या ऑनलाइन जाइए, बुक्स इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हम आपको वैसी बुक्स बता रहे हैं जिससे लाइन बाय लाइन प्रश्न दिख रहे हैं, और यह प्रमाण काफी है जो आपकी तैयारी को धार देगा, दिशा देगा। और सबसे बढ़कर जीएस मास्टर का मेंटरशिप आपके साथ है। तो बीपीएससी का अगर सपना है, बीपीएससी निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन बनाइए, बुक्स इकट्ठा कीजिए और हमारी डिसिप्लिन के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। 3 महीने जमकर तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। चलिए आज स्टार्ट लेते हैं। एक संडे मिल गया हमें ये प्रमाणित करने के लिए कि बीपीएससी में पिछली बार जो टफ क्वेश्चन साइंस से आए थे उसमें फिजिक्स का हमने रिव्यू किया था, ये थंबनेल देख सकते हैं। पॉलिटी का हमने रिव्यू किया था, ये थंबनेल देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स आप ले सकते हैं। आज हम आपको केमिस्ट्री का रिव्यू कर रहे हैं और सारे प्रश्न पहले पेज पर आपको दिखाई देंगे, पहले पेज पर। बुक्स एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, चूंकि आप लगातार किताब बताइए सर, किताब बताइए, इतने कमेंट्स होते हैं जैसे ही हम वीडियो डालते हैं, किताब बताइए सर, तो ये किताब है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो आया था, हम सेट ए का आपको दिखा रहे हैं। सेट ए में केमिस्ट्री का जो 10 क्वेश्चन आया था, चूंकि साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन आया था सेट ए में 122 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा था कि मेटल्स धातु के ऑक्साइड जब अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करते हैं तो नमक और जल बनता है, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहलाते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड, ये कौन से ऑक्साइड होते हैं। देखिए हमारे पास जो है उसमें छात्र ने गलत मारा है। सबसे पहले आइए बुक में देखते हैं, जो बुक है उसमें देखिए पहले ही पेज पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले गैसों के बारे में चर्चा है, कौन सा इसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह प्रभाव पैदा करने वाला गैस है। और ये इसे बुक में देखते हैं कि बुक में ये कहां है। पर्यावरण से संबंधित चैप्टर में पेज नंबर 148 पर 148 पर आप देख सकते हैं 6 प्रमुख ग्रीन हाउसेस गैसे हैं, यहां पर 3 जिसका चर्चा है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यहां पे आपको दिख रहा है, साथ ही जलवाष्प है, सीएफसी है, ओजोन है, ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस तो वैसे भी आपको पता रहना चाहिए। हालांकि यहां पर देखिए स्टूडेंट ने फिर गलत मारा है, जिनका यहां पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं उन्होंने यहां पर भी केवल मीथेन मारा है, जबकि ऑल ऑफ द एबव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, लिबरेट करती है। आइए बुक में देखते हैं, पेज नंबर 120 पर देखिए, धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करते हैं अम्लों के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को लिबरेट करते हैं, पेज नंबर 120। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 125 नंबर क्वेश्चन है, COOH में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेज नंबर 138 में देखिए हाइड्रोकार्बन टॉपिक में यहां पर फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल दिया हुआ है, देखिए यहां पर साफ दिया हुआ है COOH2 यानी COOH जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है, पेज नंबर 138 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए 3 प्रखनलियां यानी टेस्ट ट्यूब दिया हुआ, कह रहा है कि इसमें आसुत जल है यानी डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, साथ ही क्षार है, अम्ल है, तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लिटमस पेपर जो कलर चेंज करके बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, यहां पर देखिए कह रहा है कि लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये 3 टेस्ट ट्यूब है, किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। आइए बुक में देखते हैं, पेज नंबर 121 पर यहां पर साफ लिखा हुआ है कि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यहां पर भी स्टूडेंट ने गलत टिक किया है। देखिए लाल लिटमस को नीला कौन करता है, बेसिक सब्सटेंस करता है, क्षार करता है। नेक्स्ट आइए 127 नंबर, एसिटिक अम्ल की गंध, इसका स्मेल कैसा होता है, आइए इसे बुक में देखते हैं। बुक में 138 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं, जो अगेन हाइड्रोकार्बन टॉपिक में आपको दिख रहा होगा,
एसिडिक अम्ल जो सिरके से बनाया जाता है विनेगर से, तो इसका स्मेल विनेगर यानी सिरके जैसा होगा। नेक्स्ट आइए 128 नंबर क्वेश्चन, जो काफी टफ क्वेश्चन था, जो शुष्क यानी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्यों नहीं लिटमस पेपर का रंग बदलते हैं? लिटमस पेपर का रंग कैसे बदलेगा? या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब आइए इसे बुक में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है और ये कहां मिलेगा। अगेन ये एसिड बेस और सॉल्ट के टॉपिक में मिलेगा। देखिए पेज नंबर 122 पर, अम्लों में धनायन यानी एच प्लस होता है, चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन ही अम्लों के गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में साफ लिखा हुआ है कि लिटमस केवल H3+ आयन की उपस्थिति के कारण रंग बदलता है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चूंकि H+ आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट आइए 129 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि विषम का पता लग गया, ऑड मैन आउट करना है। जैसे सीमेंट का सेटिंग, तो सीमेंट तो पाउडर होता है, ये सेटिंग के बाद कठोर हो जाता है। कोयले का जलना, कोयले जलकर गैस बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये कहां मिल रहा है। 102 नंबर पेज पे यहां पे आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में फलों का पकना का चर्चा है, हालांकि बाकी दो यहां पे नहीं मिल रहा है चॉइस में। उसके बाद लास्ट 130 नंबर क्वेश्चन हीरा और ग्रेफाइट से संबंधित है, कह रहा कि कौन सा कथन सत्य है। क्या इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, समान संरचना, क्या इनमें जो कठोरता होती है वो एक समान होती है, या इनका जो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर एटीट्यूड है क्या वो समान होता है। आइए बुक में देखते हैं कि ये कहां मिलेगा और कितना सही है। ये इंटरेस्टिंगली 130 नंबर का क्वेश्चन था और इस बुक में 130 नंबर पेज पर ही इसका आंसर हमें मिला। देखिए आधातु टॉपिक में कार्बन के अपरूप में हीरा और ग्रेफाइट का डिटेल्स है, सारे बुक्स में होता है। कह रहा कि हीरा में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट में परतदार संरचना लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी मैच नहीं किया। दूसरा आइए, कह रहा कि ये समान रूप से कठोर होते हैं, तो हीरा तो कठोर होता है, ग्रेफाइट तो सबसे मुलायम सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। यहां पर देखिए ग्रेफाइट मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। और तीसरा आइए, ये दोनों समान रूप से विद्युत के सुचालक होते हैं, तो डायमंड सुचालक नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। तो यहां पर भी समानता नहीं है, तो यहां पर भी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो आपने देखा कि 9 क्वेश्चंस, लगातार 9 क्वेश्चंस, 10 में से यहां पर 1 by 1 पेजेस में दिखाई दिए, 10वां क्वेश्चन कौन नहीं मिला आइए देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन था, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, ये किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये वाला आंसर इस बुक में नहीं मिला, केवल एक क्वेश्चन। 10 में से 9 क्वेश्चन मिल गया, केवल एक नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के बुक से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि ये अल्टीमेट बुक है, लेकिन हाँ वर्थ वाइल है, इसे अगर पढ़ा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसीलिए 2 जून से जो बीपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, पेड बैच, उसमें ये बुक हमने चलाया है, साथ ही हिस्ट्री और पॉलिटी का ही बुक है, और एक क्राउन का जीके है, और एक बिहार स्पेशल है, और एक एसपीडी का है। अब देखिए एसपीडी का जून का भी नया करंट आ जाएगा, तो जिन लोगों ने एसपीडी का बुक अभी नहीं लिया करंट अफेयर्स, वो जून का 1 से लेकर 5 तक के बीच आ जाता है। तो 2 तारीख से हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो संभव हो आपने नहीं लिया है तो जून वाला ले लीजिएगा करंट अफेयर्स, 1 महीना और अपडेटेड उसमें करंट अफेयर्स होगा। तो हम सदैव कहते हैं कि सही बुक्स का सिलेक्शन सही स्ट्रेटेजी, और जब भी तैयारी कीजिए पॉजिटिव रहिए कि अगर सही मेंटरशिप आपके साथ है तो आपका एग्जाम भी निकलेगा, आपका टॉप भी पार करेंगे, और आप कंफर्म रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, साथ ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस देकर रिजल्ट निकालेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।